हरे कृष्ण। तो कल पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था, रसराज पुणे लिया था ना, उसमें 31 से 38 तक चर्चा हुई थी, 37 तक, राइट। तो हम लोग आगे चर्चा करते हैं, 38 से चढ़ते हैं। जस्ट मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। पिछली क्लास में जो चर्चा हुआ था, 31 से 37, बेसिकली ये भगवान कर्मकांड की दृष्टि से भी उनके रीजंस को युद्ध नहीं करना, उसको रिफ्यूट कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बोला था कि मुझे युद्ध, मैं युद्ध क्यों करूं, और स्वर्ग की प्राप्ति नहीं चाहता हूं, इससे अच्छा है कि मैं भीख मांग कर भी जी लूं, अच्छा है मैं अपने अपने बंधुओं का वध नहीं करना चाहता हूं। कई बार ऐसा भी होता है अपनी फैमिलीज में, हम कोई गलत भी कर रहा है, हम इसलिए सहन कर जाते हैं कि अपना व्यक्ति है ना। या जैसे उदाहरण के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके फादर ड्रिंक कर रहे हो और आपकी मदर को मार रहे हो, तो आप क्या करोगे? फादर ड्रिंक किए हुए मार रहे हैं तो वो गलत है, राइट। तो आप क्या सोचोगे? फादर इसलिए छोड़ देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ एक्शन लोगे, रोकोगे मारने से, अब भले आपका मर्डर नहीं करोगे लेकिन कुछ तो करोगे। वैसे ही ऊपर मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध करूंगा अपने लोगों को मारकर स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने से क्या लाभ, या राज्य की प्राप्ति का क्या लाभ। तो इसमें टोटली क्या डिस्कशन है, मटेरियल डिस्कशन है, लाभ का, लाभ और हानि का डिस्कशन। तो ये एक लॉजिक उन्होंने दिया था पाप वाला। तो उस लॉजिक को पिछले श्लोकों में चर्चा किया गया था। तो उसे बताया गया था कि हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिसके लिए उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। क्षत्रिय जब युद्ध करता है तो दो ही गति होगी उसकी, या तो मरेगा या तो उसको जीतेगा, दोनों उसमें लाभ होता है। यानी जो आपके आपका जीवन जिससे चलता है, जो आपके वृत्ति परक कार्य है, यानी आपके जो नेचर है, उस नेचर के अकॉर्डिंग काम करते हो तो आपको धर्म का कार्यकर्ता माना जाएगा। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कार्य करे, क्षत्रिय जैसे योद्धा है, उसने ट्रेनिंग ली है सेना में जाने के लिए, सेना में जाकर ट्रेनिंग ले ली, वहां युद्ध नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट खुश होगी? बिल्कुल, वो युद्ध करता है गवर्नमेंट के हिसाब से और युद्ध करता है तो उसको लाभ होता है, उसको परमवीर चक्र मिलेगा, लोग उसको, यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ दे ना दे, जैसे कई हमारे खिलाड़ी खेल कर आते हैं ओलंपिक वगैरह में, गवर्नमेंट उतना ज़्यादा कभी कभी नहीं भी करती। मैंने सुना कोई एक बहुत फेमस लेडी है, लड़की है, उसने ओलंपिक में ब्रॉन्ज कुछ लेकर आई थी, अभी वो बेचारी क्या कर रही है, उन्हें मूंगफली बेच रही है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है लेकिन लोग अप्रिशिएट करते हैं, याद रखना। उसी हिसाब से बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति के स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं जो युद्ध में अपने आप से युद्ध करने के लिए जो मौका आता है। अपने आप से युद्ध करना मतलब जब दुश्मन हमला करते हैं, वो खुद से परेशान होकर दूसरों को लूटना, परेशान करना, ऐसे नहीं, अपने आप से जो मिलना आता है युद्ध करने के लिए, उसमें डरता नहीं है। क्षत्रिय के गुणों को 18 चैप्टर वर्स नंबर 43 में बताया है, युद्धे च अपलायनम, युद्ध से पलायन नहीं करता, अपलायनम मतलब वो वीरता पूर्वक लड़ता है, वो क्षत्रिय के गुण है। नहीं तो जोर से बम फटता भी फटेगा ना, भी दिवाली में कुछ लोग हिलते रहते हैं, बस कुछ लोग ऐसे होते रहते हैं घरों में बैठ के, वो क्षत्रिय नहीं है और डर जाते हैं, है ना। तो वो एक नेचर होता है सबका, ब्राह्मण का अपना नेचर है, तो कोई जन्म से ये नेचर नहीं लेता है, वो उसके स्वभाव में गुण पैदा हो जाते हैं कभी कभी। जैसे परशुराम जी, परशुराम जी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, ठीक है, और क्या बन गए? क्षत्रिय, क्योंकि उनके गुण अंदर आ गए। विश्वामित्र जी क्षत्रिय परिवार में लिए, लेकिन कौन सा गुण डेवलप कर दिया उन्होंने? ब्राह्मण के। तो गुण डेवलप करके आप आज जा सकते हो ऊपर नीचे, कोई ब्राह्मण के घर जन्म लेकर शूद्र के कार्य कर सकता है, मांस खाना, मदिरा पीना, अज्ञानी कार्य करेगा,
वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेके अभी क्या है, शूद्र है। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से प्रत्येक व्यक्ति क्या है, शूद्र है। शूद्र का मतलब अज्ञानी। संस्कार भवित द्विजः, यानी ट्रेडिंग से व्यक्ति द्विज बन सकता है। ये भगवद गीता बोल रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं, चातु वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, कि चार वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं। इसका आधार क्या है, गुण और कर्म के आधार पर बनाया गया, जाति के आधार पर नहीं। जाति के आधार पर ये पुराने जमाने के लोग चलते आए हैं, जन्म हुआ इसका जन्म हुआ वो व्यक्ति ब्राह्मण के घर में जिला ब्राह्मण, डॉक्टर के यहाँ जन्म लेने वाला डॉक्टर नहीं होता है, उसको बनने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती। तो इसलिए क्षत्रिय का जो गुण है, छत इति त्रायते क्षत्रिय, ये भी हमने पढ़ा था। क्षत्र, छ से मतलब होता है क्षति यानी हिंसा, त्र मतलब रक्षा। जहां पर हिंसा से रक्षा हो सकती है वो व्यक्ति हिंसा से रक्षा करता है, हमेशा नहीं करता है। ये नहीं कि पार्टी में आज बड़ा पार्टी में खुश है सबको गोली मार दो, ऐसे थोड़ी होता है। जहां हिंसा से रक्षा करनी है वो अपने तलवार लेकर हिंसा से रक्षा करता है। पुलिस भी करती है, आतंकवादी हमला करते हैं, हमारी सैनिक है पुलिस है, वो हमला करती है उनको मारती है, हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा हुआ, हम थोड़ी बोलते हैं बुरा हुआ। तो क्षत्रिय हिंसा करता है पर रक्षा के लिए, छत इति त्रायते, है ना, ये बोला गया है। और आगे कहते हैं, किंतु यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने से पाप लगेगा, तुम योद्धा के रूप में अपना यश खोदोगे। तो दो चीजें बताते हैं यहाँ पर, क्या लॉस होगा। एक तो लॉस होगा कि वो स्वधर्म का पालन नहीं करने से पाप लगेगा, अपने धर्म का जो पालन नहीं करता उसको पाप लगता है। दूसरा लोग अपयश होगा, देखिए सिर्फ वो क्षत्रिय सैनिक नहीं है, वो कौन है, राजा भी है। तो राजा को अपयश या यश का बड़ा जरूरी होता है। जैसे तो कोई फेमस व्यक्ति है, उसका यश अपयश बहुत वैल्यू करता है, हमको कोई जानते नहीं है। नहीं, आपको मान लीजिए अमेरिका गए, अमेरिका कोई जानता नहीं, आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, कोई बेइज्जती हुई क्या? अब आसपास देखो कोई जानकार तो नहीं है, बोला कुछ नहीं, जेल चलो हो गया, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है। लेकिन जहां आपको जानते हैं, ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, घर में हो, मोहल्ले में हो, जहां आपको ज्यादा सम्मान मिलता है, जैसा दामाद का बेइज्जती जो होता है घर पर नहीं होता, होता ससुराल में होता, घर में तो डेली होता, नहीं घर में तो कोई इज्जत है ही नहीं। लेकिन जब ससुराल में जाता है तो वहां पर वाइफ भी बड़ी इज्जत करती, वाइफ भी लड़ती है आपके लिए, मेरे पति आए थे पानी नहीं पीना, यहाँ पर नहीं आऊंगी मैं भी, यहाँ पर लड़ती है आपके लिए। अब वहां बेइज्जती हो जाता है, बेइज्जती। सिमिलरली क्षत्रिय है, राजा है, राजा कितना वैल्यू है। अब ये अर्जुन कितना नामी गिरामी व्यक्ति, उसको बोल रहे हैं कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो दो चीजें होंगी, तुम्हें पाप लगेगा, तुम नरक जाओगे युद्ध से भाग गए, और दूसरा लोग हंसेंगे, अरे बड़ा अर्जुन लड़ने आया था दिव्यास्त्र इतनी सारी तरह देख के भाग गया, हालत खराब होगी उसकी, तो उसका अपयश भी होगा। वो बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं अकीर्ति चापि भूतानि, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, पूरी हिस्ट्री बन जाएगी। जैसे आज हम लोग हिस्ट्री क्या बोल रहे हैं, अर्जुन ने क्या युद्ध किया, कृष्ण के कहने पर युद्ध किया, अर्जुन ने युद्ध को जीत लिया, अर्जुन ने बड़ा वीरता से लड़ा बिना दिव्यास्त्रों के, उल्टा होगा। और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से बढ़कर है। अब यहाँ पर हमारे आचार्य क्या बता रहे, ध्यान से सुनिए, बोल रहे हैं पाप और अपयश के बारे में जब बोल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। एक बार इंद्र, इंद्र के पुत्र को निवात कवच नाम के, पुराणों में इसका वर्णन आता है, निवात कवच नाम के सेना ने घेर लिया था, उनको पकड़ लिया, जयंत पुत्र है इंद्र के, उसको किडनैप करके रख लिया, और पानी के अंदर होते निवात कवच, जो वरुण देव का जो जगह है पाताल लोक के नीचे, उस एरिया में उन्होंने कब्जा करके रखा था। और निवात कवच जो ये काम करते हैं वो इतने परफेक्ट थे कि पानी के अंदर भी अपना तीर चलाना, हथियार चलाना आसान नहीं है, आप अपने हाथ से नहीं मार सकते इसको पानी के अंदर, पानी के अंदर रहना पड़ेगा पहले जीवित आप। लेकिन वो एक्सपर्ट थे, उन्होंने जयंत को छुपा रखा था। तो अर्जुन को इंद्र ने बुलाया कि अब तुम युद्ध में माहिर हो, तुम जाकर उनसे लड़ो। तो सबने सोचा कि निवात कवच से पानी में कैसे अर्जुन लड़ेंगे, अर्जुन इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, धनुर्धर हैं, कि पानी में भी अपना धनुष तड़ाते हैं और प्रॉपर जगह में लग जाके लगता है, इतना एक्सपर्ट है। तो उनको निवात कवच को, उन्होंने निवात का मतलब होता है जहाँ पर एयर नहीं है,
वैक्यूम, वैक्यूम को निवात कहते हैं, वो कवच बना लेते थे, उस कवच को भेद कर उनको हरा कर जयंत को ले आए थे। तो वो भी इतना कितना फेमस हो चुके हैं, वो व्यक्ति जो इतना फेमस है कि निवात कवच को हरा चुका था और यहाँ लड़ नहीं पाया, हमसे हार गया। दुर्योधन यही बोले, क्या उसके अपराध, मेरी गदा को देख कर हार गया होगा, अपमान होगा। दूसरा, किसी भी यशस्वी व्यक्ति का अपमान जो होता है मृत्यु के तुल्य माना गया। तो किसी भी सम्मानित व्यक्ति को मारने से ज्यादा, जान से मारने से ज्यादा अपमानित कर दो बस। जैसे पुराने समय में राजा को जब सरेंडर कर देता था तो मारते नहीं थे, जेल में ना डाल देते, उसको काला मुंह कर देंगे, यहाँ पर माला की जगह जूते टंगा देंगे और छोड़ देंगे राज्य में, तो व्यक्ति सुसाइड कर लेता था, राजा इतना अपमानित हो जाता था। श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बताते हैं कि राजा हार कर वापस नहीं आता, राजा युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाते, हारने की बारी है तब भी लड़ेगा, सरेंडर का बोले नहीं सरेंडर नहीं करूँ, मुझे मार दो बोले। तो एक राजस्थान के, मुझे नाम याद नहीं, राजा थे, युद्ध करने गए तो जो युद्ध से लौट आए तो दो ही तीन लोग बचे थे, हार कर आए थे, तो दरवाजा खटखटाए जब, तो रानी ने कहा कि राजा वापस लौट आए, तो पूछते हैं कि राजा जीत कर आए कि हार के आए, तो बोलते हार के आए, तो बोलते मैं दरवाजा खोलूंगी, वो जाती है, बोले कौन हो तुम, उसे पूछती है, बोलते मैं इस देश का राजा हूं, बोले इस देश का राजा तो हार चुका है, बोलते नहीं अगर राजा होते तो जीत कर आते ये मर जाते, बोलते मैं तुम्हारा पति हूं, तो बोले मैं रानी हूं, मेरा पति राजा होता है, फिर तुम यहां से वापस जाओ। तो ये इतना स्पिरिट होता था छत्राणी का, राइट। तो उस दृष्टि से अपयश होगा तुम्हारा, तुम्हारी जो पत्नियां हैं, तुम्हारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी वो क्या सोचेगी, ये अच्छा लॉजिक है इनका। और क्या बोल रहे हैं, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश का सम्मान दिया है वे सोचेंगे तुमने डर के मारे युद्धभूमि छोड़ दी और इस तरह तुम्हें तुक्ष मानेंगे, ये भी अपमान है ना। दुर्योधन जैसे कर्ण लोग कटु शब्द से आप तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु वचन बोलेंगे, तुम्हारे लिए दूसरे दुखदायी क्या हो सकता है, यानी तुम जीवित रहकर अभी जंगल में भी रहो तो अपमान वहां पर पहुंच जाता है। देखिए बदनामी आपका पीछा नहीं छोड़ती, आप कहीं भी चले जाए पीछे पीछे आएंगे, जंगल में आपका कोई व्यक्ति आकर बोल देगा अरे वही अर्जुन है, बोल के भाग जाएंगे। 37 बोलते हैं, कुंती पुत्र तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। भगवान यहाँ बोला युद्ध करो, चाहे दोनों केस में तुम्हें युद्ध करना चाहिए। 38 में क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सुख दुखे समय कृतवा लाभ 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 अलाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैव पाप अपवश्यसि। तो बोल रहे हैं कि तुम सुख या दुख उसके लिए नहीं, हानि या लाभ नहीं, विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। सही, क्या बोल रहे हैं, लाभ के लिए नहीं, हानि के लिए नहीं, ठीक, सुख और दुख के लिए नहीं, जय और पराजय के लिए नहीं, क्यों युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो। मैं पागल हो गया सारा लैंग्वेज भैया, युद्ध के लिए युद्ध करो मतलब क्या होता है। जैसे बोले आप स्कूल जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, स्कूल जाने के लिए स्कूल जाते हैं, बड़ा इलॉजिकल लगता है। नहीं, इसमें भगवान बोल रहे हैं कि मेरे लिए युद्ध करो, इसका मतलब है मैं बोल रहा हूँ इसलिए युद्ध करो, अपना पर्सनली कोई रंजिश नहीं है तुम्हें, मित्र मानते हो, मातुला मामा लोग हैं, पितरन है ना, चाचा लोग हैं, भात्रान भाई लोग हैं, शाला है ना, शाला आदि जो लगते हैं वो रिश्ते में हैं, तुमको अपना मान रहे हो ना, ये भी भाव छोड़ दो, दुश्मन है ये भी भाव छोड़ दो, क्यों युद्ध करो, कर्तव्य समझ कर, एक धर्म का कार्य तुम्हें करना है। जैसे डॉक्टर होता है वो कोई भेदभाव करता है, वो ऑपरेशन करता है, चाहे कोई भी गरीब हो अमीर हो, ऑपरेशन टेबल पर आकर उसको करना है सर्जरी करनी, मतलब नहीं करता वो अलग बात है, जनरली एक रूल होता है, पुलिस भी ऐसी है, जज भी ऐसी है, एक भाई बहन माता पिता कुछ नहीं देखता, वो देखता है मुझे कर्तव्य का पालन करना, उससे लाभ हो रहा हो हानि हो रहा है मतलब नहीं, राइट। तो ये बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं
इससे तुम्हें क्या होगा, कोई पाप नहीं लगेगा। देखिए पाप और पुण्य जो है दोनों हमको बांधता है इस संसार में। पाप कैसे बांधता है? पाप से रिएक्शन मिलेगा, इस जन्म में जो पाप किए अगले जन्म पाप को भोगने के लिए आना पड़ेगा, और जो पुण्य किए हो पुण्य को भी भोगने के लिए आना पड़ेगा। पुण्य को भोगने के लिए जब आओगे तो साथ साथ में कष्ट तो अपने आप है, कुछ चीजें रेडीमेड मिलती हैं, जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन। 13 चैप्टर भगवान पूरे हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये फिक्स है। जो व्यक्ति अगले जन्म में करोड़पति बन के जन्म भी लेगा तो जन्म का कष्ट होगा, 9 महीने गर्भ रहना पड़ेगा, बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, पुण्य के साथ ये सब कष्ट अपने आप आते, बीमारी भी होगी। एक व्यक्ति मुझसे पूछता है रोजी ये अरबपतियों को सर्दी जुकाम होता है क्या, उनको डेंगू होता है कि उनको मच्छर काटते हैं? सब होता है, उनको भी बीमारी भेदभाव नहीं करती, वो सबको लगती है। कोविड में ऐसा हुआ था क्या कि सारे गरीब लोग तो ज्यादा इम्यूनिटी रहता होंगे, नहीं मिट्टी में खेलते रहते कुछ होता नहीं। कुछ लोग ऐसे अमीर भी थे जो घर के कमरे में बंद करके अपने आप को रखे थे, वहीं से खिड़की से कोरोना घुसकर निताई गुरु प्रेमानंद कर दिया उसको। सुना है हम लोगों ने, एक मैं लेडी को जानता हूँ जो एम्स पे नर्स है, तो उनकी मदर अकेली थी, अपने फादर अकेले थे और वो बंद ही रहते, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते थे, कमरे में रहते थे और वो भी कभी नहीं जाती थी कमरे में ताकि वो उनको कुछ हो ना जाए, उनकी सिस्टर रहती थी। और ये एम्स में इनको कुछ नहीं हुआ, कभी कोविड नहीं हुआ, उनके फादर को कोविड हुआ, फादर चल बस। ऐसा भी होता है, हमारे जैसे अक्षय केशव प्रभु मंदिर के ब्रह्मचारी हैं, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में वो पीपी किट पहन के बहुत लोगों को हेल्प किया, मंदिर के लगभग 160 ब्रह्मचारी में से लगभग 100 कोविड का शिकार हुए थे, उन सबको देखभाल किया, उनको कभी कोरोना नहीं हुआ। वो हॉस्पिटल जाते थे, कई लोग जो हमारे इस प्रोग्राम में कई लोग आते थे, उनमें से 2 डिपुटी ने शरीर त्यागा, उन दोनों को उन्होंने अपना अकेले दाह संस्कार किया, फैमिली नहीं आ सकती तो समय वो खुद गए पीपी किट पहन के, सोचो बॉडी के लिए उनको नहीं हुआ, राइट। पॉइंट में रेज करना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर हम भगवान के लिए काम करेंगे तो कोई कष्ट नहीं होगा, अगला जन्म ही नहीं होगा, अगला जन्म पुण्य का हो या पाप का कष्ट झेलना ही पड़ता है, इसलिए बोल रहे तो मेरे लिए युद्ध करो। तो इसी पॉइंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, 38 को थोड़ा विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस और मटेरियल कॉन्शियसनेस, ट्रांसेंडेंटल दिव्य चेतना किसे कहते हैं, जब भगवान के लिए कार्य करते हैं, हर एक एक्टिविटी को भगवान के लिए करना चाहिए। यद करोषि यद अश्नासि यद जोषि तद, भगवान बोल रहे हैं अंतिम अध्याय में 17-18 में बोलते हैं कि अर्जुन यद करोषि जो करते हो, यद अश्नासि जो खाते हो, यद तपस्यसि जो तपस्या करते हो, यद जोषि जो पूजा करते हो, मद अर्पणम मुझे अर्पण करो। अब कैसे देखिए, जैसे आप भोजन सब करते हैं, कोई ऐसा है जो हवा में रह रहा कई सालों से? कोई नहीं, सब भोजन करते हैं। आप वो भोजन जो करते हैं जस्ट ठाकुर को अर्पण करो, अब देखिए 10 मिनट्स में कितना अंतर आने वाला है। आपने दाल बनाया, चावल बनाया, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, ठीक है, या तो किचन में टेस्ट कर लिया या प्लेट में परोस के घर में खा लिया, यही करते हैं, या किसी को खिलाया जो भी। अब आपने जो कुकिंग की है उस आइटम को अपने घर में, आप एक थाली खरीदी है घर में मार्केट से, बहुत सुंदर सी थाली खरीदी है प्लेट, और उसमें 4 कटोरियाँ रख ली है, छोटे छोटे प्लेट रख लीजिए, उसमें जो भी आपने कुकिंग किया उसमें आप परोस दीजिए, उस सभी आइटम में एक तुलसी का पत्ता रख दीजिए, ठाकुर जी के पास रख दीजिए, छोटे छोटे कुछ मंत्रास हैं नहीं पता, हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, हे हे भगवान ठाकुर जी कृष्ण जी, ये सबका जितना भी चीज़ आपने जो आपकी वजह से हमको मिलता है ये आप ग्रहण कीजिए, 10 मिनट्स उनको खाने दीजिए, 15 मिनट उनको खाने दीजिए, ठीक, और उसके बाद निकाल लीजिए, और जो जो आइटम जहाँ था उसमें मिला दीजिए, चावल को चावल में, दाल को दाल में, सब्जी सब्जी, प्रसाद बन गया। 10 मिनट्स में पता क्या होगा, आप पाप से बच जाएंगे। तीसरा अध्याय 13 श्लोक 3:13 क्या है, मेरा सब कुछ है तेरा, याद रखना 3:13 ये श्लोक, भगवान बोले यज्ञशिष्टाशिन संतम उच्चंती सर्व किल विषय भुंजते त्यगम पाप यह पचंती आत्मकारणा, बोलते जो लोग यज्ञ में यानी भगवान को अर्पित करके भोजन ग्रहण करते हैं
वो सब लोग पाप से मुच्यंते सर्व किल्बिषे, सरल संस्कृत मुच्यंते मतलब मुक्ति मिलती है, सर्व किल्बिष का मतलब पाप होता है। अब बोलते हैं भुंजते थे अगम पापा, जो बहुत पाप ग्रहण करते हैं, ये पचती आत्म कारणा, जो अपने लिए कुकिंग करते हैं, मेरे को ऑफर नहीं करते हैं, खुद ही खा लेते हैं, वो कौन है? पापी लोग। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, भगवान जी का तीसरा अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ लेना घर जाके। इतना ही करना, 10 मिनट्स में आप पाप से बच सकते हो। 10 मिनट्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर कोई आपको बोले पाप में से बचना है प्रभु जी, यज्ञ करो, 4 घंटा सुहा सुहा तो कर ही लोगे ना, उससे अच्छा 10 मिनट्स ऑफर कर दो, दैट्स ऑल। बस उसमें ये तामसिक चीजें नहीं डालनी, अंडा मांस मछली प्याज लहसुन नहीं डालना, दैट्स ऑल। इतना आप करते हो तो आप पाप से बच जाते हो। एक बार यत करोशी यत अशनासी, जो खाते हो यत जोशी, जो पूजा करते हो, मदर प्रणाम, देखिए कितना सुंदर पूजा हो रहा मंदिर में। ये तपस्या, तपस्या करो, तपस्या बहुत प्रकार की होती है, लोग देवी देवताओं के लिए तपस्या करते हैं, भगवान बोलते मेरे लिए करो। एकादशी का व्रत करो, जन्माष्टमी का व्रत करो, रामनवमी का व्रत करो, ये तपस्या कौन थे, या मदर्पण मेरे को अर्पण करो, दैट्स ऑल। इतना इजी बता रही, दैट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, यानी मैं भगवान के लिए करना प्रारंभ कर दूं। क्यों? सब कुछ तो भगवान का है, शरीर भगवान का, संसारिक वस्तुएं, रोशनी, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, पानी, वर्षा, जमीन, बीज, पौधे, वृक्ष, सब किसके हैं? सब भगवान के हैं। एक्चुअली हम भगवान को दे भी नहीं सकते कुछ, देना चाहे आदमी दान किसको देता है? कभी दान देता है? दान देने के लिए आपके पास अपना कुछ होना चाहिए, राइट? जैसे कोई व्यक्ति इधर आओ जी, क्या चाहिए? 10 रुपए इसके जेब से निकाल कर 10 रुपए दे, दैट इज नॉट दान। दान बनेंगे क्या? इसके जेब से क्यों निकालो भाई, अपने जेब से निकालो। जब सुदामा गए कृष्ण से मिलने के लिए द्वारकाधीश से, उनके घर में कुछ नहीं था, होता तो खा के जाते, 3 दिन तक कुछ नहीं खाया था, बच्चे भी भूखे बिलख रहे थे, तो बोले जाओ अपने मित्र से मांग कर आओ। तो मित्र से मांगने गए तो बोले रुको, कल को वहां जाएंगे, पूछेंगे मेरे लिए क्या लाया था, तुम क्या लेके जाओ, मित्र को कुछ तो गिफ्ट ले जाना चाहिए, मिलने जा रहा हूँ। तो पड़ोस में वो जाकर पैर पड़कर पड़ोसिन से बोलती है कि एक मुट्ठी चिवड़ा दे दो, मैं उधार लेके जा रही हूँ, मेरे पति जा रहे हैं, उनके मित्र से मिलने, उधार दे दो। वो एक मुट्ठी चिवड़ा को उसने पोटली बांध के यहाँ रख लिया था, और द्वारका जाते जाते वो जो चिवड़ा था ना, पोहा बन गया था यहाँ पर पसीने से, वो लेके गए वहां। और जब वहां पहुंचे तो ठाकुर जी उनका सेवा की, अब जानते हैं उनके चरणों की सेवा की, उनको प्रसाद खिलाया, पैर धोए, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य देवी, रुक्मिणी जी भाग्य देवी है, हम सबका फॉर्च्यून बनाती बिगड़ती है उनके हाथ में, वो उनको चामर कर रही, पंखा कर रही, भगवान पैर धो रहे हैं सुदामा जी का, अपने हाथ से 56 भोग खिला रहे, कुछ बोलना चाह रहे, बोले नहीं नहीं तुम इतना दूर चल के आए हो, विश्राम करो। उनको लेटाया और वो इतने परेशान हो गए, मैं कैसे बोलूं इस व्यक्ति को कि द्वारकाधीश राजा है, इतने मैल है, वो व्यक्ति मेरे पैर धो रहा है, रुक्मिणी जी रानी है, मतलब चामर कर रही, कैसे मैं कैसे मांग लूँ, कितना स्वार्थी हूँ, मनी मन सोचने लगे। फिर बोले और जो उसने खिलाया 56 भोग, हमें ये चिवड़ा खिलाऊंगा अभी पसीने से युक्त वाला, छुपा लिया उसको। तो भगवान जब उनके पास गए 8-9 घंटे बाद चरण को दबाया, वो कहते हैं मित्र अब थकान पूरा हो गया, बोले हाँ, बोले कि मेरे लिए क्या लाए हो, जैसी जो चीज लाया तो छुपा लिया, बोले हाँ भाभी जी ने कुछ तो भेजा है, जबरदस्ती छीन के खाने लगे। तो जब खाने लगे तो रुक्मिणी जी रोकने लगी, अरे अरे सब आप खा जाओगे तो क्या होगा ये व्यक्ति का, मुझे भी खाने दो। तब वो बोलती हैं देखो ये कुछ मांगने आया है तो पता ना आपको, बोलते हाँ, बोले दे दो उसको, बोलते नहीं कि जब तक मांगेगा नहीं तो नहीं दूंगा, कि ब्राह्मण अपना नियम क्या करता है, ब्राह्मण घर घर में जाकर मांगता है, लेकिन किसके घर मांगता है, जो पहचान का घर, ये रूल होता है, मांगने के लिए अनजान घर में मांगना चाहिए, अपने घर में तो कोई भी दे देगा, अब ब्राह्मण बन गया है, मेडिकेंट बन गया है, घर जाके मम्मी से मम्मी भिक्षा दे ही,
आप इच्छा नहीं तो मम्मी पापा तो भर भर के देंगे उसको। इसमें जब दीक्षा होती ना मंदिर में मांगना मना रहता, मंदिर के बाहर मांगो। और मंदिर के बाहर बाहर मांगोगे तो बोलेगा कल तो मर्सिडीज में घूम रहा था भाई, तो आज भीख मांग रहा है। तो बोलेंगे ना क्या हो गया इसको, तब बोलेंगे मेरी दीक्षा हुई, गुरु ने मुझे भिक्षा के लिए बोले। एक दिन मांगना पड़ता है, जो भी हम भी जब मांगने गए थे तो कोई एक आलू दे रहा है, कोई लौकी दे रहा है, बोला भाई पैसे दे दो मंदिर में जमा करना है, ले जाओ भिखारी कहीं के। तो बड़ा बेइज्जती होता है इसमें, तब आपको ह्यूमिलिटी आती है, इसलिए भीख मांगने बोला जाता है दीक्षा के दिन। अरे तो बोले ये अपना नियम तोड़ तोड़ नहीं रहा है, ब्राह्मण है ये, मेरे से नहीं मांग रहा है मित्रों, और मैं कैसे दे दूं बिना मांगे, राजा तो बिना मांगे देगा नहीं, मांग ब्राह्मण को मांगना चाहिए। तो बोलते दूसरी बात मैं इसको क्या दूं, इसके पास कुछ नहीं था तो उधारी मांगा, और इस संसार में प्रत्येक वस्तु की क्या है मेरी, मैं किससे उधारी मांगू, इसके बराबर का तो मैं नहीं दे सकता है। तो बोला मैं इसको दे के भी ऋणी ही रहूंगा, देने के बाद भी ये मेरे से ज्यादा कुछ मुझे दे दिया है, इसने जो चिवड़ा दिया है जो पोहा बन गया था वो वास्तव में कुछ ज्यादा ही दे दिया मुझे, अब मैं ऋण चुका नहीं सकता। तो भाग्यदेव बोलते ये नहीं चलेगा, मैं कुछ करूंगी, तो चिंता मत करो कि बिना मांगे मुझे देना तो पड़ेगा, मैं ऋणी तो रहूंगा ऐसे मित्र का। तो भगवान ऐसा करते हैं, इतना सखा कर। उसकी तो छोटी सी पहली कथा बताता हूँ। सुदामा जी रात को जब एक दिन उठते हैं कुछ तेज भूख लगता है, 3 दिन से नहीं खाया, 3 दिन समझते हैं, अभी अभी क्लास के बाद प्रसाद नहीं देगा तो क्रोधित हो जाओगे। भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं अगली बार नहीं आऊंगा, भीष्म प्रतिज्ञा कर लोगे भाई, प्रसाद नहीं मिला राइट। लेकिन सुदामा 3 दिन तक सहन किया, और रात को 12 बजे धीरे से उठकर उस घड़े में जाकर देख रहा था जो 3 दिन पहले कुछ बचा था वो भाई बच्चे नहीं खाए होंगे, एक चावल का दाना मिला। वो देखता है सब सो रहे हैं, खाने जाता है, उसके याद आता है मैंने तो भगवान जी को 3 दिन से भोग नहीं लगाया तो यही भोग लगा देता हूँ। और भोग लगाते हैं, भगवान कृष्ण का ही विग्रह है, ठाकुर जी को लगाते हैं, भगवान इसको ग्रहण कीजिए, और उसके बाद चावल खाने लगते हैं तो पत्नी देख लेती, बोले क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं मैं खा रहा हूँ, बोलते मैं अर्धांगिनी हूँ ना आधा दो, तो आधा देते हैं, दोनों खाते हैं तो ऊपर से देख रहे हैं भगवान जी, ठाकुर जी कह रहे बोले देखो मेरा भक्त, इसको खाने के लिए कुछ नहीं है, एक चावल है फिर भी मुझे ही ऑफर कर रहा है ना, मत अर्पण। और जैसे ही सुदामा खाते हैं भगवान के पेट भर गया, ऑफर किया था भगवान के पेट भर गया। यस्मिन तुष्ट जगत तुष्टम, भगवान तुष्ट संसार तुष्ट, हर किसी के हृदय में भगवान है कि नहीं, परमात्मा है, मानते हो भगवान वहां सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आपके आसपास जितने लोग हैं सबके हृदय में सेटिस्फाई क्यों नहीं होंगे, भगवान को अलग अलग हृदय में सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। आपने वो अक्षय पात्र कथा सुना होगा है ना, जहां पर दुर्योधन ने भेजा, दुर्योधन इतना बदमाश था, उसने दुर्वासा मुनि की खूब सेवा की, एकदम बढ़िया से चापलूसी करके, दुर्वासा मुनि खुश हो गए, पुत्र हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, मांगो क्या वरदान, मुझे वरदान तो कुछ नहीं चाहिए, आप सब आशीर्वाद से सब कुछ है मेरे पास, मैं इतना चाहता हूँ कि मेरे भाई लोग वन में भटक रहे उनके घर भी चले जाइए, है ना बदमाश था, मतलब वरदान में क्या मांगा। तो वो गए 10,000 शिष्यों के साथ, सोचो जो भिक्षाटन कर रहे हैं उनके साथ घर में 10,000 लोग पहुंच जाए, हमारे घर में 10 लोग चले जाए तो कुंडी बंद कर देंगे, बोले कौन है, बोले हम सब घर में नहीं है। 10,000 शिष्यों के साथ पहुंच गए, और कब, जबकि द्रौपदी खा चुकी थी, द्रौपदी को एक पात्र था उनके पास, अक्षय पात्र कहते हैं, जिसमें अगर वो भोजन बनाती है तो हजारों घर लाखों करोड़ों खा सकते हैं, कोई कमी नहीं जब तक द्रौपदी ना खा ले। अब देखिए उसमें लॉजिक क्या है, जब युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज मना नहीं करते हैं कि आप मेरे यहाँ मत आओ, हाँ आपको भोजन खिलाएंगे, ये इतना बड़ा हृदय था, बोले आप स्नान करने जाइए, और बोलते हैं कि अंदर भीम को कहते हैं जाओ द्रौपदी से कहो कि प्रसाद अगर नहीं खाइए तो उसी में से दे दें, तो द्रौपदी खा चुकी थी, बोले मैं तो खा ली अभी अभी, उन्होंने उसमें बोले बढ़िया से बर्तन धो के रख दिया है पलट के, बोले अब क्या होगा, बोले अब तो ठाकुर जी को याद करो, कृष्ण को याद करते हैं, कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं वो सब छोड़ो जो भी कुछ हो रहा है हमें कुछ खिलाओ। तो उसमें देखते हैं तो उसमें एक दाना था, वो
भगवान जी खाते हैं, भगवान खाते हैं, दुर्वासा मुनि के साथ 10,000 शिष्यों को ढकारने लगती है, पेट भरने में ढकार आता है ना, वो आने लगते हैं। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं, शिष्यों लग रहा पेट भरा हुआ है कुछ, तो गुरु जी हमें भी लग रहा है। बोले भीम आता हो बुलाने के लिए, यहीं से निकल ले, भाग जाए। बोले यार गमछा उमछा पोछना उछना बाद में करेंगे, इसे निकल लो, अगर उन्होंने बुला दिया और हम नहीं खाए अपमान होगा, हम भाग जाओ से, वहीं से वहीं चले गए। तो ये कहानियों से पता चल रहा है कि भगवान को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। आप यहाँ पर बैठे कोई 50, 60, 70 साल, 80 साल, 20 साल, अलग अलग उम्र के लोग हैं, आप बताइए आपसे क्या सभी लोग सेटिस्फाइड हैं? नो। कर भी लोगे या करोड़ों करोड़ों जन्म ले लीजिए, ना आपके बच्चे सेटिस्फाइड है, ना पत्नी, ना पति, ना माँ बाप, ना समाज, ना बॉस, नोबडी, कोई सेटिस्फाइड नहीं, आप खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हो। लेकिन जब भगवान को भजन करने लगते हो, हरे कृष्ण मंत्र जप करने लगते हो, आपको सेटिस्फेक्शन सबसे पहले आपको खुद को शुरू हो जाता है। कितने लोग एग्री हैं कि चैंटिंग करने से आपको सेटिस्फेक्शन या चिंता रहित होना शुरू हो गया? राइट, वो सिंपल फॉर्मूला है, नाम में इतनी शक्ति देखी। तो यही बोल रहे हैं कि नो कंसिडरेशन ऑफ हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, प्रॉफिट और गेन, विक्ट्री और डिफीट। क्या करना है? जस्ट फाइट, फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइट, बिकॉज लॉर्ड डिजायर टू बैटल। भगवान चाहते हैं युद्ध करो, इसलिए युद्ध करो। भगवान चाहते हैं ना मत करो, भगवान ने बोला मैं शांति दूत बन के जा रहा हूँ। शांति दूत बन के क्या? बोले जाओ, बोले मेरी बात भी नहीं माना, युद्ध करो तो युद्ध करो। एक व्यक्ति नाव में बैठकर जा रहा था, काफी लोग नाव में बैठे हुए थे, अचानक से हवा तूफान आने लगा, पानी उसमें तूफान में नाव के अंदर आ रहा था। तो सभी लोग, नाविक कहता है पानी फेंको बाहर, सब पानी फेंक रहे उठा के हाथ से। एक बाबा जी थे कमंडल लेके, वो कमंडल से बाहर से पानी अंदर ला रहे थे। बाबा जी पागल हो गया भाई, नाव डूब रही, हम तो एक अंजुली से निकालते, एक अंजलि से निकालते फेंकते हैं, तो देखिए एक कमंडल से 50 अंजलि डाल देता है। बाबा जी पागल हो गया क्या? फिर भी कर रहे। तूफान थम हो गया, तूफान थम गया, थोड़ी देर बाद, थोड़ा दूर आगे जाने के बाद, वो पानी को, जो बचा पानी, तो वो नाव से वापस फेंकने लगे बाहर। तो नाविक पूछता, बाबा जी सब दिमाग हुआ ठीक है, कर क्या रहे थे? तो बोलते हैं जी पहले डावाडोल, जब नाव हो रहा था, जिसका अर्थ था कि भगवान चाहते हम डूबे, तो हम उनकी इच्छा, अपनी इच्छा मिला रहे थे। चलो भाई डूबना, जो डुबा दो जी, मैं आपके हेल्प कर लूँ, डुबा दो। जब भगवान ने बचाना चाहा था, वापस इच्छा में इच्छा मिला रहे। तो हमें सोचना चाहिए, ठाकुर जैसे चलाएं वैसे चलेंगे, भगवान जैसे चलाएं वैसे चलेंगे, देखिए तब कोई कष्ट नहीं होगा। पता, क्योंकि भगवान जो रास्ता चुनते हैं, भगवान हमारे पिताजी हैं, भगवान हमारे प्रोटेक्टर हैं, तो हमारे गलत रास्ता चुनेंगे हमारे लिए? कभी नहीं चुनेंगे। इसलिए जो व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान के हिसाब से चलना चाहिए, वो कभी दुखी नहीं होगा। ज्यादातर लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं मेरे हिसाब से सिस्टम नहीं चल रहा है। आप जैसा सोचे हो वैसे नहीं चलने को दुख कहते हैं। जैसा मेरा मन चाहता है वैसे नहीं चलने को दुख कहते हैं। जैसे मेरा मन नहीं चाहता है वैसा करने को दुख कहते हैं। हाँ, और अगर आपका मन ये बोल दे कि नहीं जैसा हो रहा है वो सब ठीक है, दुख लगेगा नहीं? कोई दुख का मुख्य कारण यही है। जैसे किसी ने सोचा आज मटर पनीर बन जाए, जैसे जाओ मेरे छोले, फिर से दुखी हो गए। आपका बर्थडे, मान लीजिए बर्थडे के दिन गिफ्ट मिला, आपको खुशी होना चाहिए, लेकिन आपने एक्सपेक्टेशन हाई रखा है, तो बर्थडे गिफ्ट भी छोटा लगेगा, छोटा गिफ्ट, जबकि एक्स्ट्रा है आपके लिए, एक्सपेक्टेशन है। आशा ही निराशा का कारण है, आशा नहीं रखो तो निराशा क्यों? तो इसलिए युद्ध करो, मेरी इच्छा है। और अपनी इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से मोड ऑफ गुडनेस, पैशन में जब काम करते हैं, तो दुख का अनुभव होता है, और उस प्रकार से उसके रिजल्ट भी आते हैं। ठीक, अब भगवद गीता में ही भगवान इसी श्लोक, इसी अध्याय में, इसी उसमें बोल रहे हैं कि एक श्लोक बोलते हैं बहुत महत्वपूर्ण, श्रीमद भागवतम से लिया गया है, 11:5:41 से। देव ऋषि भूता पितृणाम नाम पितृणाम न किं करो नायम हृदि चरा जन सर्वात्मा यह शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम। कहते हैं देव ऋषि, देव ऋषि के मतलब देवताओं, और ऋषि भूताप, तो मैं समझा देता हूं, ये 7 लोगों से हमारा ऋण रहता है। कौन? डेमीगॉड्स, है ना, डेमीगॉड्स, ग्रेट सेजेस, ऑर्डिनरी लिविंग बींग्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, मैनकाइंड, इवन वंस फोर फादर। मैं समझा देता हूँ, जैसे डेमीगॉड्स पहला है ना,
ये क्या देते हैं हमें? वरुण देव जलाशय में जल को अच्छे से प्योर रखते हैं। इंद्र जो करते हैं वो क्या करते हैं, वर्षा के राजा हैं, वर्षा के देवता हैं। अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, है ना। जैसे होम मिनिस्ट्री किसके पास है? दुर्गा जी के पास। डिफेंस मिनिस्ट्री कार्तिकी के पास, युद्ध करने में एक्सपर्ट, सेनापति है, देवताओं के सेनापति, राइट। ऐसे जो वित्त मंत्री कौन है? कुबेर, राइट। तो इस प्रकार से ये देवता लोग हम लोग कुछ ना कुछ हमको मैनेज करके दे रहे हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनका भी ऋण है, सरस्वती विद्या की है, विद्या दे रही है हमको, ज्ञान दे रही है, इनका भी ऋण हम पर है। ऋषियों का ऋण है ना, ये छह दर्शन बोलते हैं, सात ऋषि सप्तऋषि है, छह दर्शन होते हैं, फिलोसफीज होती हैं। ये ऋषि लोग क्या किए, इस जो भगवान ने जो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी के बाद जो सप्तऋषि आदि आए, उन्होंने इस नॉलेज को यहाँ तक भिजवाया, हम तक ट्रांसफर किया। जैसे फर्स्ट टाइम जब ए बी सी डी का निर्माण हुआ, सिलेबस आया तो कोई टीचर पढ़े होंगे, वो अपने स्टूडेंट को दिए, स्टूडेंट अपने स्टूडेंट को दिए, ऐसे करते करते अभी तो हम लोग ए बी सी डी पढ़ रहे हैं। तो वो लोग जो ट्रांसफर करने वाले ऋषि हैं उनका। फिर आता है एनिमल्स, एनिमल्स से भी बहुत कुछ लेते हैं हम लोग, जैसे बैल है, गधा है, गधा भी काम का ही है, बोझा ढोता है, घोड़ा है, ऊंट है, इस सब से हम लोग काम लेते हैं। कुछ है जो पशु है, जैसे दूध मिलता है हमको, जैसे हनी भी है, वो से हम लोग को हनी मिलता है। कितनी चीज़ें जो पशुओं से मिलती हैं हमें, है ना। जैसे भेड़ है, उससे हम लोग को वूल मिलता है, हमको ऊन मिलता है, स्वेटर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ ऐसे जो एनिमल्स है, जैसे काउ डंग, हाँ, उससे भैंस है, गोबर से हम कुछ चीज़ें बनाते हैं, फ्यूल बनाते हैं, अंडे बनाते हैं, राइट। तो इस प्रकार से देखो एनिमल से भी बहुत कुछ मिल रहा है, उसके भी ऋणी हम लोग, राइट। फिर आते हैं रिलेटिव्स, वो लोग रिचुअल्स में हेल्प करते हैं, जब किसी के यहाँ ध्यान हो जाए सारे रिलेटिव्स पहुंच जाते हैं, है ना। उठाला करना है जी, चौथा करना है जी, तेरहवीं करनी है, ऐसे करेंगे, ये नियम हमारे में तो यही होता है, पूरे रूल्स करने आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं कभी कभी, कुछ समस्या है, सब मिलके परिवार विवाह में हेल्प कर देते हैं, वो बात अलग है, परेशान भी करते हैं बहुत, तो लेकिन कुछ ना कुछ है। फ्रेंड्स, इमोशनल सपोर्ट, कहते हैं कि रोने के लिए कंधा चाहिए, हंसने के लिए बंदा चाहिए। लाइफ में दो व्यक्ति अगर मिल जाए तो लाइफ में टेंशन नहीं, जब आपको रोना हो तो कोई व्यक्ति मिल जाए जिसके कंधे पर रोके कर सके, और कोई हंसाने वाला चाहिए, एक दिन तो हमेशा 13-14 बजे रहेंगे चेहरे पर, अच्छा नहीं, कोई हंसाने वाला होना चाहिए। तो फ्रेंड्स होते हैं, असली फ्रेंड्स कौन है पता, आपको दुखी देख के ना आपके पीछे पड़ जाएंगे, और दुख बता क्या है, कैसे नहीं बताएगा, वो असली फ्रेंड्स है, राइट। और जब आप खुश होते हो तो आपकी खुशी में बहुत खुश होता हो, उसको लगता है मेरा ये सब कुछ है, तो ऐसा इमोशनल सपोर्ट के लिए भी चाहिए। फिर पितृन कर्मकांड, ये सब करना पड़ता है, बर्थ ट्रेनिंग कल्चर, जो हम लोग पितरों से हम लोग को मिला, पितरों से मिली है ना सब चीज़ें, कि उन्होंने कल्चर दिया, अपने ट्रेडिशन, अपने फैमिली में जो चल रहा है, ऐसे रखना है, ये करना है, वो मिलता है। तो ये सब का ऋणी आप नहीं हैं, अगर आप क्या करते हैं, बोलते हैं सर्वात्मा या शरणम शरण्यम, यानी भगवान कृष्ण के शरण में जाते हैं, गतो मुकंदम परिहृत कृतम, यानी कोई मुकंद के चरणों में आ जाता है, सबके हृदय में रहने वाले जिनकी शरण में कोई आ जाता है, परिहृत्य कृतम, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी कृष्ण की भक्ति आप कर लेते हो तो आपके ऊपर कोई ऋण नहीं रहता है, सिर्फ बैंक का लोन रहेगा आपके पास। यानी वो जो आपने बोला था लेक्चर में, हम तो बैंक वाले से रड़ के आ गए हैं, बैंक का लोन नहीं देंगे, नहीं, वो ऋण तो रहेगा, वो तो भक्ति करने से नहीं चुकता है, लेकिन वो जो पूर्वजों का है, सबका है, देव ऋषि ऋषि निणाम, ये सब लोग जानवर पशु जीव सबका सामान्य व्यक्तिकरण, सामाजिक ऋण भी होता है, समाज में आपको संभाला जा रहा है, आप एक सोशल होते हो लोगों से, उसका भी ऋण बन जाता है, वो सब ऋण चुकाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं। इसके लिए चैतन्य चरितार्थ एक वर्ड आता है, लाइन आती है, क्या कहते हैं कि कृष्ण भक्ति कहले सर्वक्रम कृत होए, यानी कृष्ण भक्ति करने के लिए समस्त प्रकार के कर्मों से मुक्ति मिल जाती है।
उसके फल से, जैसे कि एक जलाशय एक रिवर है हजारों कुएं का काम करती है, करती है। अब देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, वाटर सप्लाई होता है आपको घरों में, और क्या है, बायोडाइवर्सिटी होती है, फूड सोर्सेस, हम लोग उस पर कुछ कोई मछली खाता है या फिर उसे सिंचाई करके धान वगैरह उगाता है ना, और रिक्रिएशन, आप पिकनिक जाते हो या वहाँ से कुछ वस्तुएं लेके खाद्यान्न बना के जाते हो, नदी के किनारे बैठते हो, फिर हाइड्रो पावर है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होता है, आपको पता है डैम क्यों बनता है, डैम से पानी जाता है तो डायनोमोस में चलता है, जनरेट करता है, फिर अब जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हो तो वो पानी से आता है, और क्या है, डिफरेंट फूड कंट्रोल होता है अलग अलग स्थानों में, डाइवर्जन करके नहर बनाकर जहाँ पानी की व्यवस्था, एक नदी में गांव के लोग नहाते भी हैं, उसे पानी भी भरते हैं, पशु भी नहाते हैं, पशु भी पानी पीते हैं, एक नदी से कितना काम होता है, लेकिन एक कुएं से नहीं हो सकता काम, एक कुएं में पानी लेने का कुआं तो उसमें मवेशी को नहला नहीं सकते, उसे सिंचाई नहीं कर सकते, राइट। ऐसी कृष्ण भक्ति करने से अलग से कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सारे ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। मेरा स्टेटमेंट नहीं है, स्वयं भगवान कौन से श्लोक में बोल रहे हैं, 11वें स्कंद में बोल रहे हैं। देखिए ये बात जो प्रपोर्ट में दिया, 11:5:41, 11:5:41 जो है भगवान का वाणी है, स्वयं उद्धव के संदेश दे रहे हैं, स्वयं भगवान, भगवान बोले मेरे भक्ति करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम लोग 39 से 53 पढ़ने जा रहे हैं, इसको बुद्धि योग कहते हैं, तो मैं थोड़ा समरी पहले दूंगा कि हम लोग एक्चुअली पढ़े क्या है। ये है समरी जो उसके पहले वाला था, 10 से 39 तक हम क्या पढ़े, जस्ट क्लियर समरी है। इसमें बोल रहे हैं टेक्स्ट 10 और 11 में क्या बताया था, कृष्णा बता रहे हैं कि मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो, उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि युद्ध मत करो, है ना, ये युद्ध करो, युद्ध करने के लिए मोटिवेट करने जा रहे हैं। और 11 से 30 इसमें याद कीजिए आत्मा और शरीर के विषय में चर्चा हुई थी, ठीक, और ये बताया कि आत्मा अमर है, और ये जो उन्होंने बताया था कंपैशन था, यानी मैं अपने लोगों को क्यों मारूं, और एक दुख था, शोक था कि मेरे परिवार के लोग मर जाएंगे, इनका कैसे देखभाल होगा, वो सबको डिफ्यूट किया था भगवान ने। इसमें 11 से 30 में आत्मा और शरीर के विषय में चर्चा हुई। 31 से 38 जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कर्मकांड, कर्मकांड मतलब हायर प्लैनेट्स में जाना, पाप पुण्य के बारे में चर्चा करने को कर्मकांड का भाग कहते हैं, ये करोगे तो पाप है, ये करोगे तो पुण्य है, ये यज्ञ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्मकांड का भाग मानते हैं, ये भगवान बता दिया। 39 से 53 में बुद्धि योग बता रहे, निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग का मतलब होता है जिसके फल को हम भगवान को अर्पण करते हैं, सीधी सी बात, निष्काम काम का मतलब डिजायर, यानी कर्म करोगे पर उसके फल को भगवान को दे दोगे, मुझे नहीं चाहिए, भगवान बोले ठीक है इसमें से तुम रख लो कुछ, वो फिर क्या होगा, निष्काम कर्म होगी या बुद्धि योग के नाम से जाना जाता है। इस सेक्शन को हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो इससे ऊपर निष्काम कर्म योग से ऊपर भक्ति योग होता है, जिसमें सिर्फ भगवान के कर्म भी भगवान के करते हैं। फिर से मैं अंतर बताता हूँ, ज्ञान का मतलब सिर्फ इतना नॉलेज ले लेना आत्मा शरीर में अंतर क्या है, ये पर्याप्त होता है क्या, जैसे मैं आज बोल दूंगा आप सब आत्मा हो, ये उसके बाद प्रभु जी उसके बाद कुछ नहीं, आप आत्मा हो, प्रभु जी प्रसाद कैसे पाए, हम क्या हमारी प्रॉब्लम क्या, खाओ जैसे खाना है, कुछ एक्शन भी तो करना पड़ेगा, राइट। आपको कुछ लाइफ जीना भी है, आपके परिवार चलाना उलाना उस पर फंस जाओगे, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो कुछ ना कुछ कर्म तो करना पड़ेगा, उससे फंस जाओगे, सिर्फ ज्ञान पर्याप्त। जैसे कोई व्यक्ति खो गया है, याददाश्त चले गई है, तो उसको आप बोलते हो कि आप फलाना व्यक्ति के पुत्र हैं, तो इतना ज्ञान पर्याप्त नहीं है। अब अगला बोले मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, एड्रेस क्या है, मैं उनके पास कैसे जा सकता हूँ, ये सब जानना जरूरी है। तुम एक लड़के हो, तो पहले से हूँ लड़का हूँ, क्या बता रहे हो, कुछ ऐसी चीज बताओ जो तुम एक बहुत अमीर व्यक्ति के पुत्र हो, बोले थैंक यू,
और खुश हो जाएगा, बोले पूछे किसका बेटा हूँ अगला प्रश्न। जैसे एक बार महाराज, एक सन्यासी ने अपने शिष्य से कहा जाओ मार्केट ले जाओ सामान लेकर आओ। वो चला गया बिना पूछे क्या सामान लाना है। फिर तो वहां पहुंचा तो बोले याद नहीं है सामान क्या लाना, तो पूछा ही नहीं। अब वहां से वापस ही नहीं आए, शर्म के मारे। दूसरे दिन गुरु जी उनसे पूछते हैं कहाँ थे तुम? तो महाराज जी वो चले तो गए थे मार्केट, लेकिन वहां याद आया कि सामान क्या लाना, पूछे ही नहीं। तो वैसी है, हम कुछ करने जा रहे हैं तो उसका नॉलेज होना ठीक है, पर एक्शन के साथ नॉलेज होना जरूरी है। ठीक, तो ज्ञान हो गया मैं आत्मा हूं। अब बताएं कि आप आत्मा हो तो आत्मा का, आत्मा शरीर का दो अलग अलग धर्म है। शरीर के धर्म को भी स्वधर्म कहते हैं और आत्मा के धर्म को भी स्वधर्म कहते हैं। इस स्वार्थ शब्द निकला, स्व मतलब दो होता है, आत्मा और शरीर, दोनों का अर्थ यानी उसका क्या मोटिव है। शरीर का मोटिव क्या है? शरीर से संबंधित चीजों को करना, भाई बहन परिवार माता पिता बच्चे ये सब इनको चलाना मेंटेन करना, देश का धर्म, शरीर से संबंधित जितने भी रिलेशंस हैं उनके धर्मों को मिलाना स्वधर्म कहते हैं, स्वार्थ कहते हैं। लेकिन आत्मा भी है, आत्मा का स्वार्थ क्या है? आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को जमीन ज्यादा चाहिए? नहीं, इसलिए करोड़पति बनने के बाद भी दुखी रहता है व्यक्ति। आत्मा को चाहिए भगवान, नते स्वार्थ गति में विष्णु दुराशया बहिरर्थमानिना। प्रहलाद महाराज सातवें स्कंद में बोल रहे हैं जिसको विष्णु की गति नहीं चाहिए, जिसको विष्णु के पीछे नहीं जाना है, वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, है ना। वो बहिर्थमानिना बाहर ढूंढ रहा है, भगवान यहाँ पर ठाकुर जी है संसार में ढूंढ रहा है सुख, वो व्यक्ति दुखी रहेगा। तो ये नहीं, दो प्रकार का धर्म हो गया, आत्मा का धर्म और शरीर का धर्म। ऐसा नहीं कर रहे हैं शरीर का धर्म मत, भाई निभाना पड़ेगा, जीवित रखने कमाना पड़ेगा, परिवार तो पालना पड़ेगा, लेकिन आत्मा का धर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कर्म कांड जो हिस्सा है वो सारा शरीर से संबंधित कर्म है। ये जो 31 से 38 बताया, जीतोगे हारोगे है ना, राज मिलेगा स्वर्ग मिलेगा, सब में क्या शरीर के सुख है, तो शरीर का धर्म हो गया। अब आत्मा के विषय में क्या है, वो निष्काम कर्म योग बता रहे हैं, ठीक है, वो 39 हम पढ़ेंगे। ओके, तो भगवान ने सांख्य योग के विषय बताया। व्हाट इज सांख्य योग? सांख्य योग का मतलब, योग का मतलब होता है एनालिटिकल स्टडी ऑफ बॉडी एंड सोल, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है इसका स्टडी करना। ये भगवान ने अच्छे से, बहुत अच्छे से बताया था 11 से लेकर 30 में, 30 श्लोक में, है ना। लेकिन इससे परे भी कुछ चीज है उसके विषय में चर्चा हो रही है, इसको बुद्धि योग कहते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रश्न उठ सकता है, निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग क्यों कहते हैं, है ना, मन में प्रश्न आना चाहिए, नाम क्यों लिया। जहां पर लॉजिक लगाकर शास्त्र, अपने ज्ञान ले लिया, मैं आत्मा हूं शरीर ज्ञान ले लिया, अब मैं उस ज्ञान के माध्यम से यूटिलाइज करके कैसे आगे बढ़ूं ये भी जानना जरूरी है। जैसे आपको पता चलेगा कि मैं उस व्यक्ति का पुत्र हूं तो मैं क्या करूं, पुत्र हूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ही रहूं? नहीं, आपको अपने पिता के पास पहुंचना है। वो कैसे पहुंचना है उसका नॉलेज लेने के लिए यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस होना चाहिए, नहीं तो कैसे एक्शन लोगे। जैसे किसी कंपनी में किसी मैनेजर की पोस्ट पर किसी को बैठा दो पर उसकी बुद्धि नहीं तो वैसे काम नहीं कर पाएगा, सिर्फ पोस्ट पर बैठाने से नहीं होता। राजा के पद पर बैठाने के लिए राजा जैसे गुण चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो वो बुद्धि, अगर आत्मा वाली बुद्धि जिसके अंदर होती है, वो एक्शन जानता है क्या करना है, तो उसको व्यक्ति को बोलते हैं बुद्धि योग में कार्य कर रहा है। ठीक, तो वर्किंग विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स, बिना कर्म के फल के सेवा करना भगवान की, दैट इज कॉल्ड बुद्धि योग। और आगे जाकर 10th चैप्टर में इसकी पुष्टि होगी कि बुद्धि योग कैसे है ना। भगवान बोलते हैं मैं उसकी बुद्धि में जाता हूं और ज्ञान का दीपक जलाता हूँ, 10वें अध्याय के 11 श्लोक में बोलते हैं ज्ञान दीपेन भाष्पता नाश्यामी आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भाष्पता। मैं उसके बुद्धि में जाकर उसके अंधकार को नष्ट करता हूँ, उनके बुद्धि में ज्ञान का दीपक जलाता हूँ, अर्जुन बोल रहे हैं। कौन? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो लोग मेरी प्रीति में लगे हुए, प्रेम में लगकर लगातार मेरे भजन में लगे हुए हैं उसको देता हूँ। डेफिनेटली जो आपकी सेवा लगे रहेगा उसको आप इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ करोगे। तो भगवान की सेवा में जो लगातार लगे रहता है, भगवान
उसको बुद्धि दी, ये न मानू पियांति ते, वो मेरे पास कैसे आएगा, मैं उसको ज्ञान देता हूं। हम अपने आप से नहीं कर सकते, भगवान के पास नहीं आ सकते, तो भगवान अपने आप बुद्धि देते हैं, राइट। तो यहां बता रहे हैं सांख्य शब्द बनता है सांख्य और संख्य से, संख्या, संख्या मतलब काउंट ना, जिसमें डिटेल होता है, और यहाँ फिलोसफी मतलब है द रियल नेचर ऑफ द सोल, ये चर्चा होगा। योग मीन्स कंट्रोलिंग द सेंसेस, यानी आपको जब दोनों का स्टडी कर लो, आत्मा शरीर का, उस स्टडी के अकॉर्डिंगली अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाओ कि ये सब सेंसेस किसके हैं, कृष्ण के हैं, और मैं कृष्ण का हूँ, आत्मा कृष्ण की, सेंसेस कृष्ण के, तो दोनों की सेवा में लगना चाहिए कृष्ण, दैट इज कॉल्ड सांख्य योग। और अर्जुन को भगवान बार बार फोर्स कर रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के अनुसार मत करो, मैं युद्ध करना है बोल रहा हूँ तो युद्ध करो, तुम अपने रिलेटिव्स को युद्ध करने के लिए मना कर रहे हो, लेकिन वो युद्ध के द्वारा हराए जाने योग्य व्यक्ति है, ये यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। अब सांख्यों के हिसाब से उन्होंने तीन चीजें बताई थी, शरीर परिवर्तनीय है, तो आपके पितामह अर्जुन के द्रोणाचार्य ये सब तो मरेंगे, तो शरीर बदलेगा, पहला लॉजिक था। आत्मा को मार नहीं सकते तो तुम्हारे दादा चाचा मामा दोबारा जन्म लेंगे, दूसरा लॉजिक। तीसरा लॉजिक बता रहे हैं कि अगर फिर भी तुम सोचते हो कि नहीं आत्मा शरीर दोनों नश्वर है, तो सब कुछ शून्य वाला, फिर टेंशन क्यों, वो भी गड़बड़ हो गया। तो सभी दृष्टि से उन्होंने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया फिलोसफी, ठीक। अब एक चीज और यहाँ पर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, कृष्ण जो सांख्य योग बता दिया 31 से 31 तक, या 30 सॉरी 11 से 30, वो जो सांख्य योग है और नास्तिक कपिल था, उसके सांख्य योग अलग है। नास्तिक कपिल नाम का व्यक्ति हुआ, और एक भगवान कपिल भी हुए हैं, भगवान कपिल श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद में उसका वर्णन आता है, जो कि देवहूति के पुत्र थे, कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र बने। वो जो फिलोसफी है, भगवान कृष्ण जो फिलोसफी बता रहे, दोनों एक ही है। आप पढ़ लेंगे तीसरे स्कंद का अध्याय 22 23, नहीं 23 24 25, इसमें वर्णन कर रहे हैं विस्तार पूर्वक श्रीमद् भागवतम में, तो उससे बता रहे हैं सांख्य योग क्या है। हमने थोड़ा थोड़ा चर्चा किया था, जैसे रिविजन के लिए बता रहा हूँ, आपको याद है कि 24 तत्व कौन कौन है, कौन बताएगा, 24 एलिमेंट्स, इसको याद है, नहीं 24 एलिमेंट्स, यस यस प्रभु जी बताओ, यस ये नहीं है, ये तो पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल बता रहे, बैठ जाओ, यस बताओ क्या चीज, पांच क्या है, ज्ञान इंद्रिया पांच, ठीक है, पांच कर्म इंद्रिया कौन कौन सी, वो 1 2 3 4 5, नहीं वर्किंग वर्किंग सेंसेस, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, और पांच विषय वस्तु, जैसे जिससे आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हो तो उसके लिए सब्जेक्ट मैटर भी होना चाहिए, जैसे आंखों के लिए आकार हो गया, कान के लिए साउंड हो गया, स्किन के लिए टच हो गया स्पर्श, एंड टंग के लिए टच टेस्ट हो गया, नोज के लिए स्मेल हो गया, स्मेल नहीं रहेगा तो नोज किस काम का, तो उसके लिए विषय वस्तु भी चाहिए, वो पांच हो गए, कितने हो गए 15। और पंच महाभूत जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, फिर कितने हो गए 20, फिर तीन हो गए मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म वस्तु ये सबके पास होती है, 23 हो गए। एक होता है प्रकृति, ये प्रधान कहते हैं, सोई हुई प्रकृति को प्रधान कहते हैं, ये 24 तत्वों का जो एनालिसिस करता है, समझता है कैसे काम करती है कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से, वो स्टडी को करते हैं एनालिटिकल स्टडी, है ना, सांख्य योग। इसको कृष्ण ने समझाया और सेम कपिल भगवान ने समझाया, पर नास्तिक कपिल क्या बोलते हैं, बोलते हैं यही जो 24 एलिमेंट से यही संसार है, इसके बगल में कोई आत्मा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बोल रहे अपने आप ही जल पृथ्वी अग्नि बनकर आत्मा बन जाते हैं, अपने आप ही संसार चल रहा है। अच्छा ये जो प्लैनेट उड़ रहे हैं, ये सब चीजें चल रही है, दादी चला रही, सब अपने आप चल रहे हैं, नास्तिक लोग यही बोलते हैं सब अपने आप हो रहा है, तो फिर कोई किसी को भी चाकू मारता है, बोले जी हमने कुछ नहीं किया, अपने आप लग गया जी आपको, और क्या क्या पागलपन है, सब कुछ अपने आप पूरा है। एक व्यक्ति प्रवचन दे रहे थे,
सब अपने आप होता है, सब बाई चांस होता है। उसी समय एक व्यक्ति आ जाता है गन लेकर, दिखा देता, बोलते आप कौन, बोले बाई चांस आया हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारे पैसे बाई चांस निकाल लो और बाई चांस में आते चले जाओ। क्या लो जी, बोलते मेरे घर में बच्चे हैं, बोले तो बाई चांस हुए थे, बाई चांस मर जाएंगे। बोले उनका क्या होगा, बोले बाई चांस मर जाएंगे, और अगर नहीं होता बाई चांस जिंदा भी रहेंगे, सब कुछ बाई चांस हो रहा तो वाई और वरी राइट, नहीं सब कुछ प्लान्ड होता है, हर चीज, हर चीज आपने यहाँ प्लान किया तो आया हो, बाई चांस आ गया क्या, अचानक सब कनाट प्ले जा रहे थे, यहाँ कहाँ गए, ऑडिटोरियम में, ऐसे हुआ क्या आपके साथ। सब कुछ प्लान से होता है, उसके कुछ चीजें इस जन्म के प्लान, अगले जन्म मिलता है उसका फल, बिना प्लान के कुछ नहीं मिलता। हाँ प्लान बनाते हो, नहीं तो माया आपके प्लान बनाती, कोई ना कोई ना अपने प्लान बनता। तो ये सब जो बाई चांस वाले नास्तिक लोग होते हैं, ये वैज्ञानिक लोग, ज्यादातर वैज्ञानिक होते हैं, बोले बाई चांस बिग बैंग हुआ और बहुत बड़ा सृष्टि हो गया, तो बाई चांस तो अभी भी होना चाहिए सब कुछ। आजकल आपके घर में कुकिंग भी बाई चांस होना चाहिए, कोई भी बाई चांस नहीं होता राइट। तो ये नास्तिक कबल का फिलोसफी है। बुद्धियोग का मतलब है जो भगवान बता रहे हैं, बुद्धियोग का मतलब भगवान की सेवा। और एथिस्टिक संघ की फिलोसफी क्या है, नो इन्फ्लुएंस ऑफ ड्यूरिंग दैट टाइम नॉर वुड, मतलब उस समय भगवान के समय में तो ये भी नहीं था, सांख्ययोग था ही नहीं, है ना, जो नास्तिक सांख्ययोग था भी नहीं, ठीक है, उसकी चर्चा भगवान करेंगे भी क्यों। रियल सांख्य फिलोसफी क्या, जो भगवान ने, कपिल भगवान ने भागवत में कहा है वही, और उसका भी अभी से लेना देना नहीं है जो भगवान मेंशन कर रहे हैं। और मैंने भी बताया कि एनालिटिकल स्टडी ऑफ बॉडी एंड सोल ये भी है, और भक्ति योग क्या है, भगवान से संबंधित सेवाएं, ये भी मैंने बता दिया। कृष्ण और कपिल भगवान का सांख्य योग लगभग एक ही है। कंक्लूजन भगवान क्या बोल रहे हैं, therefore that only the less intelligent class of man make a distinction between sankhya yoga and bhakti yoga। अब मैं बताया तो जैसे मुझे बताइए कि एक व्यक्ति के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सीखना जरूरी है कि एलजेब्रा सीखना जरूरी है, बस एलजेब्रा नहीं सीखेंगे, बाद में भी सीखेंगे ना, जरूरी दोनों है। कोई बोलता है कि ये दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही, दोनों मैथमेटिक्स है, पर एक बेसिक मैथमेटिक है, एक हायर मैथमेटिक, इतना ही होता है। आप जब इंजीनियरिंग में जाते हो तो हायर मैथमेटिक पढ़ना पड़ता है, मास्टर करते हो तो और ज़्यादा हायर पढ़ना पड़ता है, पीएचडी करते तो और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, पर मैथमेटिक्स तो दोनों है, और दोनों की आवश्यकता है। ऐसी सांख्ययोग का मतलब सबसे पहला ज्ञान दिया जाता है किसी को, तो पहला नॉलेज स्पिरिचुअल लाइफ में है तुम आत्मा हो, ये ज्ञान पहले दिया जाता है, और इसके बाद जो आत्मा का पता चल जाएगा तो बोले तुम्हारा संबंध क्या है, तुम किसके अंश हो, आत्मा और परमात्मा का अंतर क्या है, इसकी स्टडी आगे की जाती है। फिर आत्मा संबंध पता चल गया तो करना क्या है, जैसे बता दो, देखो किसी का विवाह होता है, सबसे पहले वो से विवाह करना है जी बच्चे का, पंडित जी बोलते हैं लड़का है कि लड़की, बोले उससे तुम्हें क्या करना है, भाई अजीब बात है, लड़के का लड़की से शादी करेंगे, तभी तो पूछ रहा हूँ कि मैं क्या किसको देखना है, लड़का देखना लड़की देखनी, तो उसके हिसाब से चूज करेंगे। तो पहला हो गया तुम कौन हो, मैं आत्मा हूँ, अच्छा शादी किससे करनी है, लड़का ढूंढते हैं, तो ढूंढे परमात्मा, संबंध बन गया, विवाह हो गया। विवाह होने के पहले या तो पहले कई बार लोग अपने एक दूसरे के बारे में जानते हैं, मंगनी वगनी हो जाती है एंगेजमेंट के बाद, या कभी कभी तो विवाह होने के बाद भी जानना चाहना चाहते हैं क्या पसंद है क्या ना पसंद है उनको, मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, स्त्री सोचती है उससे अच्छा लगे उनको, खाने में क्या पसंद, बनाना सीखूं। तो आप उसको खुश करने के लिए जो भी चीज़ आवश्यकता होती है वो सीखती है स्त्री। पति क्या सीखता है, पति सोचता है इसको क्या पसंद है, किस प्रकार के कपड़े इसको पसंद है, क्या गहने पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, कैसे बात करूँ तो पसंद है, वो सोचता है। बहुत मुश्किल काम है लेकिन ये होता है, करते हैं लोग ठीक, तब संबंध बनता है, तब एक दूसरे को सर्विस करते हैं, तब रिलेशन बनता है, तब लव इंक्रीज होता है। ऐसे ही भगवान है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, क्या संबंध है, उनको खुश कैसे करें, तो ये हायर नॉलेज है, भगवान को कैसे खुश करें, इसको कहते हैं भक्ति। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे मैं जैसा बोलूँगा वैसे बोलिए और वैसे करिए। बोलिए अभी कहाँ है,
जाना कहाँ है, ऐसा करना ही पड़ेगा आपको हाथ, तभी आपको फील होगा राइट हैंड से। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, जाएंगे कैसे, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, जाएंगे कैसे, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, जाएंगे कैसे, बस यही इतना ही जानना है आपको। अभी कहाँ है हम लोग, भौतिक संसार में, जाना कहाँ है, जाएंगे कैसे, भक्ति करके, इतना ही फिलॉसफी है। तो अभी कहाँ है ये संबंध बेसिक हुआ कि मैं कौन हूँ, मेरा संबंध क्या है, फिर कहाँ जाना है, लक्ष्य क्या है, भगवत धाम, जाएंगे कैसे, 64 लिम्स ऑफ भक्ति है, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, दर्शन, दीपदान, ये सब छोटी छोटी एक्टिविटीज है, इसको परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, इसका जानने को भक्ति योग कहते हैं, बस दैट्स ऑल। ठीक है, हरे कृष्ण, एनी क्वेश्चन? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न है, अभी आपने बीच में थोड़ा डिस्कस भी किया था, क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, जब अपना कुछ नहीं होता तो दान का बेनिफिट हमें कैसे होता है, जब हम ये कहते हैं कि हमारा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो हम जब दान करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें कैसे मिलता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो मेरा कुछ है ही नहीं इसलिए हमने दान क्या दिया, दान दिया नहीं, इसलिए ना दान पेटी लिखना गलत है। आप भगवान को दान कैसे दे सकते हैं? दान किसको देते हो, जो आपसे इंफीरियर होता है, इसलिए उसको भेंट पात्र लिखा जाता है। भेंट किसको देते हैं, आप उसका उसी को दे सकते हो। रूपा जी बहुत अच्छा लॉजिक बताते हैं, जैसे एक बच्चा पिताजी की जेब से 100 का नोट निकालता है और एक आइसक्रीम खरीद कर लेकर आता है, बोले पापा आइसक्रीम, बोलो अरे कहाँ से लाए पैसे भाई, जेब से मेरे निकाला है, लेकिन इंटेंशन अच्छा है, बोले थैंक यू बेटा कोई बात नहीं आप खाओ। उसको पता है कि बेटा पैसा कमाता नहीं है, तो संसार में सारा धन किसका है, ठाकुर जी का, हम ठाकुर जी का अर्पण करते हैं उसका लाभ मिलता है, अगर ऑनेस्ट तो है कि दे भगवान को ही रहा है, खुद नहीं यूज कर रहा है, ये दान का लाभ। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसका पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, उसी के पैसे से उसका प्रोपेगेशन करोगे, उसके नाम का, जैसे टाटा का पैसा आपके पास है, टाटा को एडवर्टाइज करो तो क्या करेगा, टाटा खुश होगा और आपको क्या करेगा, सैलरी बढ़ाएगा, आपको और पैसे देगा, प्रोपेगेशन करते रहो। सिमिलरली जब ठाकुर ने आपको पैसे दिया, ठाकुर जी के प्रोपेगेशन के लिए जब पैसा लगाते हो, ठाकुर जी आपको पैसा और कुछ देंगे, और जब आपने टाटा का पैसा लिया और खूब ही खा रहे हो छोटे कोने में बैठ कर, टाटा खुश नहीं होगा, कहीं भी हो राइट, दुखी हो जाएगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, आपको भी मौका चाहिए। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, महर्षि वेद व्यास जी की माँ ने कौन सी तपस्या की थी कि उनके गर्भ में महर्षि वेद व्यास जी 13 साल तक उनके गर्भ में रुके रहे? वेद व्यास जी नहीं, उनके पुत्र रुके रहे, वेद व्यास जी के पुत्र, पुत्र सुखदेव गोस्वामी 13 साल तक रहे। अच्छा हाँ, उनकी भी माँ ने कौन सी तपस्या की थी? माँ ने तपस्या नहीं की थी, मैं बता देता हूँ, सुखदेव गोस्वामी पिछले जन्म के राधा रानी के तोते हैं शुक्र, और वो उड़ते उड़ते एक बार शिवजी भागवत कथा कह रहे थे पार्वती जी को, वहां जाके बैठ गए। अच्छा। पार्वती जी सुन रही थी, पार्वती जी की नींद लग गया, जो शुक थे उसको बहुत सुनने में अच्छा लगता था, तो शिव जी कथा बता रहे हैं, पार्वती जी को कहते हाँ हाँ करते रहना, तो शुक जो हाँ हम्म ऐसे किए जा रहा था। अच्छा। पूरी कथा बता दिए, जब शंकर भगवान आंख बंद करके कथा कर रहे, जब देखे तो सो रही है, तो हाँ कौन कर रहा था, ये कर रहा था तोता। अच्छा अच्छा, रुको तुमको बताता हूँ, तुमने मेरा पूरा टाइम वेस्ट करे, दौड़ाए तो शुक जो है उड़ते उड़ते जाकर वेद व्यास जी की पत्नी के मुख से घुस गए पेट में, और वो 13 साल तक इसलिए नहीं निकले क्योंकि वो चाहते थे कि बाहर निकलूंगा तो मुझे संसार का प्रभाव पड़ जाएगा, मैं भौतिकवादी बन जाऊंगा। 13 ईयर वहां रहे, भगवान कृष्ण जब आए स्वयं बोले कि माता को कितना कष्ट हो रहा है, 13 साल गर्भ में उतरो, बाहर निकलो, तो बाहर निकले और वैसी नग्न अवस्था में आश्रम छोड़ के जाने लगे, श्रीमद भागवत का वर्णन है। जाने लगे थे तो उनकी माँ ने उनको ये बोला ना कि पुत्र रुको रुको, आप तो अभी धरती पर आए हो और अभी चल पड़े, तो पेड़ बोलने लग गए थे ना, दूसरा प्रश्न है। हाँ पेड़, अच्छा ठीक है, रहे ना प्रभु जी के।
हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। तो मेरा क्वेश्चन था, जैसे आज हमने पढ़ा कि हमें गौलोक धाम जाना है, हमारा डेस्टिनेशन जो है वो गौलोक धाम है। तो मैंने गीता में पढ़ा था, रैंडमली मैंने पेज खोला था, तो मैंने पढ़ा था कि अगर हमें गौलोक धाम जाना है या अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे जाना है तो वी हैव टू ऑप्शंस, या तो हम भक्ति करें नहीं तो हम कर्मों का त्याग करें। नॉट दैट कि मैं कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही हूँ, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि कर्मों का त्याग क्या होता है और कैसे होता है। कर्म का त्याग का मतलब नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़कर बैठ जाओ। कर्म का त्याग मतलब भगवान के लिए कर्म करना, कर्मों का त्याग। जो कर्म कर रहे उसके फल से आसक्ति को ही, तो आसक्ति के त्याग को ही कर्म त्याग कर। खाना छोड़ नहीं सकते, सोना छोड़ नहीं सकते, खाना तो खाएंगे, भोजन तो करेंगे, लेकिन वो जब ठाकुर जी को अर्पण करके करेंगे, भोजन करेंगे, तो वो कर्म के फल का त्याग है। ये कर्म का फल का त्याग ही भक्ति वास्तव। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जय विजय जी भी एक तरीके से भगवान की सेवा कर रहे थे, तो उनको कर्ज क्यों लगा? हाँ, ये भगवान की इच्छा थी, नहीं तो वैकुंठ में ऐसा कोई ऐसी चेतना कौन रखेगा, लड़ाई झगड़े वाले। भगवान क्या चाहते हैं, क्रोध लीला करना चाहते हैं। जैसे हम सबको भी क्रोध आता है, तो भगवान का भी एक रस, 12 रस होते हैं। 12 रसों में करुण, आश्चर्य, भीभत्स, क्रोध, वीर, हास्य, ऐसे रस होते हैं। भगवान को भी क्रोध करने की इच्छा, भगवान क्रोध कैसे करेंगे? अच्छा, किसी पे क्रोध करें तो भगवान के अगेंस्ट में कोई ऐसा फाइटर भी होना चाहिए। भगवान के लिए फाइटर, अगेंस्ट फाइटर जो एनिमीज कौन बन सकता है, डिवोटी बन सकता है। उनको पता है भगवान कैसे फाइटर, आपका सबसे खतरनाक दुश्मन कौन बन सकता है, आपका दोस्त, उसको पता है आपकी सारी पैंतरे। इसलिए भगवान ने अपनी इच्छा से क्रोध लीला करना चाहते थे हिरण्यकश्यप के रूप, नरसिंह भगवान के रूप में। इसलिए जय विजय में से उनको नरसिंह भगवान की युद्ध लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए, हिरण्यकश्यप को बनने के लिए ऐसा करवाया, भगवान की इच्छा थी। उसमें तात्पर्य में आप श्रीमद् भागवत में वर्णन है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ और मेरे साथ कुछ टीचर्स हैं। तो एक टीचर ने फेसबुक पे रील आता है, वैसे बहुत सारे, तो उस पर एक कंटेंट था, उसमें लिखा था कि साइंटिस्ट ने, मून है इसलिए साइंटिस्ट ने मून खोजा, हेवन नहीं है इसलिए साइंटिस्ट ने हेवन को नहीं खोजा। तो हेवन ये झूठ कॉन्सेप्ट है। यद्यपि मैं समझाने की कोशिश कर रहा था उनको, लेकिन मैं समझा नहीं पाया क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहती थी, लेडी टीचर थी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम ऐसे देखिए, जो समझना नहीं चाहते हैं उसके लिए एक ही इलाज है, समझाना छोड़ दो, और कोई तरीका नहीं। क्योंकि समझना जो चाहते हैं ना, उसकी संख्या भारत में बहुत है, उसमें दिमाग लगाइए। हमारा चक्कर क्या, हम वही फूफा के लड़के को समझाना चाहते हैं, वो क्यों नहीं समझता। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत टाइम वेस्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये कोई लॉजिक नहीं है। जो आपको नहीं पता चल रहा है उसको खोज नहीं रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, अभी पता चल रही हैं जी, राइट? तो जो आपके नज़रों में टेलीस्कोप से जो देख सकते हो, मैं उसी को एग्जिस्ट, उसके एग्जिस्ट मानता हूँ, उसी को खोजूंगा। व्हाट इज दिस? क्या आपने संसार के सारे नक्षत्र और तारों को खोज लिया, उस पर जीवन ने खोज लिया, उसमें पहुंच गया? नो, आपको तो कई चीज़ें दिखी नहीं रही। एक्चुअली रील पे बहुत सारे ऐसे हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत सारे कंटेंट्स आते हैं, मैं भी देखता रहता हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। लेकिन ऐसे जो शिक्षा विभाग में है वो भी ऐसे टीचर लोग ऐसे सोचते हैं, शिक्षा विभाग ही बेकार है। मूर्खा नाना उपदेशन थी, मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए, ठीक है? अपना टाइम बचाइए। जो लोग इंक्लाइन है, जो सनातन धर्म की ओर जाना चाहते हैं, उनको टाइम दो। क्यों बताऊं? पहले उन लोगों को बचाओ जो बचना चाहते हैं जी। जो दलदल में घूट, आप दलदल हाथ पकड़ने जाओ, आपको मारे, जो ढंस ले, उस सांप को बचाने से अच्छा है जो बचना चाहते उसको बचाओ ना, राइट? हरे कृष्ण। हम यही करते हैं। 67% एक सर्वे है कि भारत में ऐसे लोग जो बचना चाहते हैं और हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को समझना चाहते हैं, हम उनको प्रीच करें, उनको सेव करें, देन विल उनके पीछे फिर हम पढ़ेंगे 67 लोग मिलकर जी। हरे कृष्ण। यस, ये सामने में। लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई वॉज रियली इंट्रीग्ड, आपने भोग में तुलसी पत्ता बोला कि आप अर्पण करिए। आई वॉन्टेड टू आस्क, नॉर्मली जब हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो हम तुलसी नहीं डालते, वर्जित है क्योंकि वृंदा जी की कथा जुड़ी हुई है,
लेकिन अभी हाल ही में मैं महाकाल गई थी, तो वहां पर जो उनका ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, तो उनका जो अभिषेक होता है उसके बाद तुलसी चढ़ाई जाती है। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ जी शिव जी को तीन चार तत्व होते हैं, शक्ति तत्व, विष्णु तत्व, शंभु तत्व, और कभी कभी शक्ति तत्व के नाम से उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो शक्ति तत्व के दो भाग होते हैं, जैसे कि जो इंटरनल पोटेंशियल भगवान की, अंतरंगा शक्ति, और बहिरंगा शक्ति माया, तो ये तत्व है। तो शंभु तत्व जो एक डिफरेंट है, ना जीव है ना भगवान है, विष्णु तत्व है, लेकिन उसके भी तीन भाग हैं शिव जी के। एक शिव को सदाशिव कहते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, दूसरे को शिव कहते हैं, तीसरे को रुद्र कहते हैं। एक ही व्यक्ति के तीन विभाग हैं। तो शिव जो तत्व है, सदाशिव है, वो विष्णु तत्व उनको तुलसी चढ़ा सकते हैं। ठीक, सदाशिव वो वैकुंठ लोक उनका निवास है, उनको उसका नाम भी कैलाश धाम है। वो महाकाल के रूप में कभी कभी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल शिव, लॉर्ड शिवा है, वो देवता के रूप में गिने जाते हैं, उनको हम लोग तुलसी जी नहीं चढ़ाते। और रुद्र कब है, जब 11 रुद्र होते हैं, जब विश्व का विनाश होता है, तो वही शिव जी अपना एक्सपेंशन करते हैं डिस्ट्रक्शन के लिए। नॉर्मल शिवा, लॉर्ड शिवा डिस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, वो अपना एक्सपेंशन करते हैं 11 रुद्र के रूप में, और पूरे संसार को अपने तांडव नृत्य से अग्निमय करके नष्ट कर देते हैं। और जो शिव जी जो है नॉर्मल शिवा, जिनको हम तुलसी नहीं चढ़ाते हैं, शिवलिंग की जो पूजा करते हैं, वो जब प्रकृति का निर्माण होता है, तो दुर्गा और शिव जी मिलकर हमें जीवन देते हैं। जी जैसे पिताजी अपने वीर्य से गर्भ में सिंचन करता है, और माँ क्या करती है, अपने खून से गर्भ सींचते में हैं। बॉडी बनाती है। तो जो माँ बॉडी बना रही है वो देवी दुर्गा है, इसलिए माँ बोलते हैं। और शिव जी को पिताजी इसलिए बोलते हैं कि जो जीवात्मा जब सोल जाता है, तो उसको भेजने का कार्य जो है वो शिव जी करते हैं। मतलब भगवान बोल रहे हैं, अहम बीजम प्रदा पिता, मैं बीज देने वाला पिता हूँ, पर शरीर को ट्रांसफर करने वाला शिव जी है, और बॉडी देने वाली दुर्गा है। हरे कृष्ण, थैंक यू।